वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम एक नए शोरूम पर फिर से आ गए हैं गाड़ी देखने के लिए। एक्चुअली हमने एक ऑलरेडी बुक कर दी है, लेकिन वो होता है ना कि आप बुक कर रहे हैं तो एक बार और तसल्ली से आपकी मतलब आपकी अच्छे से तसल्ली हो जाएगी आपको कौन सी लेनी है। तो इसीलिए बस एक बार और हम आए हैं दूसरे शोरूम पर। और भाई मैं कोई रिव्यू नहीं कर रही हूँ गाड़ी कौन सी अच्छी कौन सी बेकार है। इट जस्ट दैट कि डेली लाइफ अगर हम शेयर करते हैं तो आई थॉट कि चलो ये भी शेयर किया जाए कि आज हम कौन से शोरूम जा रहे हैं। आ गए हैं हम आज Hyundai के शोरूम पर और हमने सोचा था कि एक बारी वरना और वेन्यू को भी चेक कर ले। ऑलरेडी वी हैव बुक द कार, बट लेट्स सी कि एक बारी देखकर थोड़ा सही होता है ना, आइडिया मिल जाता है कि आपने बुक कर ली है, लेकिन अगर आपको कोई और पसंद भी आ रही है साथ में तो आप उसको भी चेक कर लीजिए। तो बस यही था कि हमने सोचा चलो एक बारी वरना और वेन्यू को भी देख लें। तो दोनों कार काफ़ी अच्छी लगी हैं। अगर कंफर्ट की बात करें तो ऑब्वियसली वरना यू कांट कम्पीट विद वेन्यू और किया सोनेट। तो कंफर्ट के हिसाब से तो वी वुड से कि भाई वरना बहुत अच्छी है अगर आप सेडान कार में जाते हैं तो। और अगर एसयूवी पसंद है फिर तो वेन्यू और किया दोनों ही बहुत अच्छी हैं। रेंज सबकी ऑलमोस्ट सेम है, कुछ ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है। तो इन केस अगर आपको वरना का सॉरी वेन्यू का अगर पसंद आता है तो वेन्यू भी बहुत अच्छी है, बहुत क्लासिक लगती है। अंदर से भी इसका जो इंटीरियर है वो काफ़ी अच्छा है। और ये क्यूश होना, ये दोनों तो खैर जहाँ भी जाते हैं जिस भी शोरूम में जाते हैं सबसे पहले जाकर यू नो ड्राइविंग सीट पकड़ लेते हैं। तो मेरा तो काम यही रह जाता है कि बाहर निकलो बाहर निकलो। एंड दिस वन इज़ आई थिंक i20 आई सपोज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और अभी मैं बैठी हूँ वेन्यू के अंदर। तो इसका जो इंटीरियर है वो काफ़ी सुंदर है और काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कार वाकई बहुत अच्छी है। बट थोड़ा सा वो कहते हैं ना सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, फिर भी किया पर मन अटका हुआ है कि नहीं किया ही इज़ मच बेटर देन दिस वन। और बस अब अमित थोड़ा सा यहाँ पर वो ये डिटेल्स वगैरह चेक कर रहे हैं, इसके बाद हम इसकी जो टेस्ट ड्राइव है उसके लिए जाएंगे। एंड हेयर वी आर फॉर द टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद अमित फेल्ट कि इसकी जो ड्राइविंग है वो काफ़ी स्मूथ है अगर हम किया से भी कंपेयर करें। थोड़ी सी मतलब इसकी 1% ऊपर ही है, बट लुक वाइज फिर हम किया की तरफ चले जाते हैं। तो वी थॉट कि चलो भाई किया फिर से चलते हैं, सो दैट अभी तो हम आए हैं तो वो होता ना कि दिमाग में आपके है कि अभी आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो वी थॉट कि चलो चलते हैं अभी क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है हमारे से शोरूम। तो हम किया पर फिर से आ गए और बस अभी कि वो तो फिर से ड्राइविंग सीट पे। अब बात आती है हमने कौन सी कार बुक की है। तो हमने की है सोनेट HTX और वही हमको सबसे ज़्यादा पसंद आई थी उस टाइम भी, तो हम उसी पर स्टिक हैं अभी और वही हमने जो है बुक कर दी है। और अभी हम फिर से टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहे हैं दोबारा से। चम्मे भी उतार देता हूँ, ऐसे तो ये लग रहा जैसे मैं बीमार था। और बताओ आपके एक्सपीरियंस कैसा रहा, कुछ तो शेयर करो, फिर लोग पूछते हैं रिव्यू कुछ दिया नहीं गया है। नहीं देखो वेन्यू की ड्राइविंग थोड़ी सॉफ्ट थी। अच्छा नहीं, नाउ यू आर गोइंग टू वेन्यू और सोनेट। सो और बस सोनेट ही फाइनल है हमारी। आज हमने सोचा था कि जाकर एक बारी उनकी भी टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं वेन्यू और वरना की, बट ठीक है मतलब वी वर लाइक कि ठीक है अगर इन्वेस्ट करें तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो इट्स ओके वी विल मैनेज हो जाएगा। और यहाँ बात करते करते क्यू जो है अपने हैंड सैनिटाइज कर रहा था और सैनिटाइजर जो है थोड़ा सा उसकी आइज पे भी लग गया, तो बस उसी को मैं देखते रह गई और फिर यहाँ कुछ बात ही नहीं कर पाई। मैं उसी को देख रही थी और मैं कुछ शेयर नहीं किया। ये देखिए आज हम कॉफ़ी पियेंगे। हंस रहा है, उसे कुछ और मिलेगा और ये वाली कोल्ड ड्रिंक है यहाँ पर। अच्छा आपको वैसी कोल्ड ड्रिंक चाहिए ब्लैक वाले?
तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा मैक की कॉफी चलते हैं जहाँ पे उस दिन लिया था बाबू अच्छे से बैठ जाओ याद है आपको हाँ बस यहाँ पे यही है तो पी लो फ्राइडे को भी गए थे ना मम्मा पता नहीं याद नहीं इतनी कौन सी कार है कार्निवल कार्निवल ये वाली बेटा है ही अच्छी अच्छी लगनी हुई इतनी पीछे ये ऑटो लोग है इधर चलो ओके इची अब इसको लॉक कर दो यहाँ से बटन दबा के अंदर से जो यहाँ पर बटन है नहीं हो जाके अपने पापा से बात करो और अब पहुंच गए हम बीकानेर अरे ये बिस्किट उठाएगा यहाँ से पिछली बार भी लेके गया था ना क्यों देखो रोज टच करो उधर हो जाओ मैं बैठ जाऊँ